हेलो एवरीवन, यस गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यस आई एम ऑडिबल। यस काइंडली रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, आई एम ऑडिबल। हेलो ओके, सो जस्ट वेट फॉर अ 2 मिनट। यस ओके देन, सो लेट्स स्टार्ट। सो इन यस्टरडे लेक्चर, ओके सो आज थोड़ा सा कुछ ड्यू टू सम इमरजेंसी वी आर गोइंग टू स्टार्ट अर्ली। ओके सो थोड़ा आज जो 7:15 का लेक्चर स्केड्यूल था तो वो थोड़ा सा आज हम जल्दी कंडक्ट कर रहे हैं, राइट। सो कल से अगेन 7:15 को ही आपका लेक्चर होगा। एंड नेक्स्ट आज एक बहुत आपके लिए, सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऐसी है कि जो मैंने आपको बताया था द हिंदू न्यूज़ कवरेज, ओके सो दैट इज़ द हिंदू न्यूज़ कवरेज जो हमारा होता है कि द हिंदू के एवरी ईच एंड एवरी न्यूज़ जो हम डिटेल में कवर करते हैं, राइट। सो आज उसका 9 बजे इवनिंग में सेशन है, ठीक है, एट 9 PM ऑन अन अकेडमी। सो डू नॉट मिस दैट, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था कि एनवायरमेंट से 23 क्वेश्चन आते हैं एंड उसमें से 18 क्वेश्चन तो भी एटलीस्ट 18 क्वेश्चन ये होते हैं, यस, करंट अफेयर्स से। और करंट अफेयर्स से आजकल अगर देखा जाए तो विजन, इनसाइट या जैसे भी आप अदर कुछ करंट अफेयर्स के पार्ट्स अगर पढ़ते हो या इवन शंकर एस विच इज़ नॉट दैट मच अपडेटेड, ओके। तो इसलिए करंट अफेयर्स ये सबसे ज़्यादा वेटेज होगा एनवायरनमेंट का, तो वो मोस्टली द हिंदू से डायरेक्टली क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होते हैं। सो इसलिए अगर आप देखोगे तो मेरा पूरा एक साल का जो कंपाइलेशन है, चलो वो लेक्चर्स तो आप बाद में मतलब देख लोगे, बट अभी ट्राई करो कि आज 9 बजे आज अटेंड करो सो दैट यू विल गेट द इम्पॉर्टेंस कि कैसे द हिंदू की हर एक न्यूज़ एक इम्पॉर्टेंट होती है एनवायरनमेंट ज्योग्राफी रिलेटेड एंड उसको कैसे हमें पढ़ना है। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, न्यू जो आपके जैसे जो फ्रेशर्स जो होंगे, तो उनको एक समझ आएगा कि द हिंदू एग्जैक्टली पढ़ते कैसे हर न्यूज़ के लिए, ठीक है। तो वो आपको वहाँ से समझ आएगा। सो डू नॉट मिस, ओके। सो 9 PM टुडे एट 9 PM, ओके सो ऑन अन अकेडमी ऐप, ओके। फ्री सेशन होगा, फ्री लाइव सेशन है। जस्ट यू हैव टू टाइप ऑन द सर्च बॉक्स दैट इज द सुमित कोंडे, ओके। सो यू विल गेट एग्जैक्टली मतलब एक फ्री सेशन में सबसे पहला लेक्चर आपको वहाँ पे दिख जाएगा। सो चलो लेट्स स्टार्ट। कल हम कहाँ तक आए थे? यस, कल के सेशन में हमने अरुणाचल प्रदेश कवर किया था और उसमें मौलिंग नेशनल पार्क एंड नामधापा नेशनल पार्क ये दोनों कवर किए थे, राइट, जिसपे दोनों पे भी रिसेंटली कुछ क्वेश्चन आके गए थे। सो मौलिंग एंड नामधापा, तो नामधापा थोड़ा सा ईस्ट में आता है वो हमने देखा था, एंड आफ्टर दैट मौलिंग नेशनल पार्क जो कि थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ आता है, और यहाँ पे दोनों भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी मिलता है, टेम्परेट फॉरेस्ट भी मिलता है। ये हमने कल देखा था कि जो जंक्शन पे आता है मोस्टली हिमालय एंड थोड़ा सा लोअर अल्टीट्यूड्स पे या हाईलैंड इकोसिस्टम जिसको कहा जाता है कि थोड़े लो लेवल्स के भी इकोसिस्टम है एंड हाई लेवल के भी इकोसिस्टम है, मतलब अपर अल्टीट्यूड्स के भी। तो ऐसा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड ये खुद किसका पार्ट है मौलिंग नेशनल पार्क, खुद किसका पार्ट है? दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व। तो इंडिया के जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है तो उसमें से ये मतलब दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व है, तो उसका पार्ट मतलब कौन है? मौलिंग नेशनल पार्क। कि आपको सबको पता होगा कि बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत ही बड़ा एक रिजर्व एरिया होता है या फिर एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में एक छोटे पार्ट हो सकते हैं नेशनल पार्क, या उसका एक छोटा पार्ट हो सकता है सेंचुरी, ओके, एंड कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, ऐसे उसके एक प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व ये हमेशा याद रखना कि एक लार्जर एरिया होता है और उसका एक छोटा पार्ट हम देख सकते हैं कि नेशनल पार्क अगर कौन सा पार्ट है सो दैट इज़ द मौलिंग नेशनल पार्क, ओके। तो एग्जैक्टली इसका लोकेशन मैंने आपको बता दिया कहाँ पे है, एंड टॉपिक टू माउंटेन टुंडा ऐसा ही UPSC का क्वेश्चन था। सो बस उसी एंगल से हम ये नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द नामधापा नेशनल पार्क जो कि थोड़ा ईस्ट की तरफ आता है, ओके। इट्स टूवर्ड द मोर टूवर्ड द ईस्टर्न पार्ट, सो दैट इज द नामधापा। जो एग्जैक्टली कहाँ पे आता है नामधापा, कल ही हमने लेक्चर में देखा था मिश्मी एंड पतकोई के बीच में, ठीक है। तो डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी ऐसे अरुणाचल की रेंजेस आती है। लास्ट वाली मिश्मी है और उसके बाद पूर्वांचल स्टार्ट होता है। तो पूर्वांचल की स्टार्टिंग जो देखा जाए तो वो पतकोई से होती है, राइट। सो दैट इज फ्रॉम द पतकोई। तो अगर पतकोई एंड मिश्मी के बीच में अगर देखा जाए तो कौन सा आता है? नामधापा। और ये भी बहुत यूनिक है कि सेम जैसे हमने डिस्कस किया था एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यहाँ पे मिलता है। तो बहुत ही कम लोकेशन ऐसे होते हैं कि देखो आपको पता है एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलता है? 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास, ओके, बिकॉज वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे 0 डिग्री इक्वेटर जैसा रेनफॉरेस्ट मिलना मतलब बहुत ही एक यूनिकनेस है, और वो मिलता है नामधापा में,
ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलता है नामदफा में, ड्यू टू द हाई रेनफॉल होगा या फिर एक बहुत ही एक बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, तो उस वजह से होगा। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट ब्रॉडलीफ एंड मिक्स फॉरेस्ट यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। एंड ये कौन से रियाम में आता है, पैलियाटिक प्लस इंडो मलायन, इससे दोनों भी रियाम में आता है, ये पैलियाटिक एंड इंडो मलायन रियाम। और ये बहुत फेमस किसके लिए रहेगा, सो दैट इज कौन से स्पीसीज के लिए फेमस है, तो दैट इज द नामधापा फ्लाइंग स्क्वेरल, विच इज द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो कि एंडेमिक यहाँ पे आपको दिख सकती है, सो उसके लिए फेमस है, ठीक है। तो यही नामधापा का इंपॉर्टेंस है। तो अरुणाचल में दो ही आते हैं, नामधापा एंड यस कौन सा था पहला वाला, यस मौलिंग वन, ओके। तो मौलिंग नेशनल पार्क। तो बाकी अगर देखा जाए तो हमने कल दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व भी डिस्कस किया था, कि चलो मतलब बायोस्फीयर रिजर्व भी अगर डिस्कस कर लेते हैं तो वो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नामधापा के बाद मणिपुर आ जाता है। सो मणिपुर में कौन सा है, दैट इज द सेंटर ऑफ द मणिपुर, इम्फाल के थोड़ा सा साउथ वेस्ट की तरफ आता है, दैट इज केबुल लामजाओ, ओके। सो मणिपुर में कौन सा है, दैट इज केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि बहुत ही फेमस है, एज अ लोकटक लेक भी यहाँ पे आता है, लोकटक लेक जो कि रामसर साइट के मॉन्ट्रेक्स लिस्ट में आता है, राइट। जो कि मॉन्ट्रेक्स लिस्ट मतलब ऐसी लिस्ट होगी कि जहाँ पे थोड़ा सा थ्रेट हुआ है ज़्यादातर, या ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे लॉस हुआ है, तो ऐसा ये केबुल लामजाओ जो कि एक फ्लोटिंग देख सकते हैं आप, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऐसा क्या है कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ओके, इट्स वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, एंड दैट इज द केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इन मणिपुर, ओके। तो यहाँ पे कौन सा लेक आता है, यस दैट इज द लोकटक लेक। तो यहाँ पे नियर बाय कौन सा फेमस लेक है, लोकटक लेक, ओके। तो याद रखना इसको, और इसको रीजनली क्या कहा जाता है, फुमदीज, ओके। तो ये ऐसे जो फ्लोटिंग लेक्स होते हैं तो उसको रीजनली फुमदीज कहा जाता है, ओके। सो दैट इज द नेशनल पार्क इज कैरेक्टराइज बाय फ्लोटिंग डिकम्पोज प्लांट मटेरियल लोकली कॉल्ड फुमदीज, ओके। तो इसको फुमदीज कहा जाता है लोकली। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि जैसे बग्याल कहाँ पे है, ओके, शोला फॉरेस्ट कहाँ पे है, या फिर सायल फॉरेस्ट किसका फीचर है, या फुमदीज किसका फीचर है, ऐसे अलग अलग पैटर्न्स में यूपीएससी पूछ सकती है। तो हर एक अलग अलग जगह पे आता है, और इसके पहले हमने बाकी सब डिस्कस किए, बस एक ही अलग सा एक बाकी था, दैट इज द फुमदीज, ओके। तो फुमदीज इसका एक फीचर होगा, और डेफिनेटली एक एक्वाटिक वेटलैंड इकोसिस्टम आप पिक्चर से देख सकते हो। देन आफ्टर दैट केबुल लामजाओ, देखो द स्वैम्प एनकम्पसेस थ्री हिल्स, यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट हिल्स आते हैं, दैट इज पाबोत टोया एंड चिंगजाओ, ओके। ऐसे कुछ हिल्स यहाँ पे आते हैं, एंड जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मानसून के टाइम अगर आप देखते हो तो डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ दिस पार्क, दैट इज़ द टू डीप टू मार्श, ऐसे एक डिस्क्रिप्शन है इसका। और यूपीएससी ने आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत स्टार्ट किए कि आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया जाता है और फिर नीचे स्टेटमेंट्स होते कि ये डिस्क्रिप्शन कौन से नेशनल पार्क या कौन से सेंचुरी या कौन से बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में है, ठीक है। तो उसी एंगल से हमने मतलब अगर देखा जाए तो हमें नोट्स निकालने चाहिए। सो टू डीप टू बी अ मार्श एंड टू शैलो टू बी अ लेक, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट आंसर फॉर दैट, सो योर आंसर शुड बी द केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। बिकॉज यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ना कि सुंदरबन दिया जा सकता है, फिर आप कन्फ्यूज हो सकते हो, बराबर है। देन सेम वाल्मीकि दिया जा सकता है, या फिर दुधवा दिया जा सकता है जो कि तराई रीजन्स में आता है, और जो ऑप्शंस आपको सिमिलर काइंड ऑफ लग सकते हैं, मतलब इवन पढ़ाई होने के बाद भी हमें थोड़े से सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शंस लग सकते हैं, बट एक्चुअली ये डिस्क्रिप्शन किसका है, टू डीप टू बी अ मार्श टू शैलो टू बी अ लेक, सो इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द केबुल लामजाओ, ओके। बस इतना याद रखो, मणिपुर में इतना ही इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आता है बालपाखरम एंड नोकरेक, सो विच इज इन द मेघालय, ओके। तो याद रखो ये कहाँ पे आता है, सो दैट इज इन द मेघालय। सो मेघालय में दो है, देखो एक आएगा नोकरेक, जो अगेन यूपीएससी का इसके पहले का क्वेश्चन था। यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था कि एक नेचुरल ब्रिज नाम की एक कंसेप्ट है, ओके। सो नेचुरल ब्रिज बनते हैं यहाँ पे, तो नेचुरल ब्रिज यहाँ का एक फीचर है, मतलब अगर कोई छोटे स्ट्रीम्स होते हैं तो फिर उसके सराउंडिंग में जो ट्रीज ग्रो होते हैं तो उनको यहाँ के लोग क्या करते हैं कि मतलब उसको मोल्ड कर देते हैं, और यहाँ पे फिर उनकी ग्रोथ वैसे ही होती है, तो ये कनेक्टर बन जाते हैं, वो छोटे स्ट्रीम्स के बिटवीन एक कनेक्टर बनते हैं, या नेचुरल एक ब्रिज बनता है। तो ये थोड़ा सा जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है यहाँ पे ऐसे एक फैक्टर यहाँ पे बन सकता है। तो ये जो स्पेशलिटी है नेचुरल बीच वाली, जो स्पेशलिटी है वो कहाँ पे, यूपीएससी ने ऐसे पूछा था, राइट। सो योर आंसर शुड बी नोकरेक रीच नेशनल पार्क, ओके। और ये आता है साउथ गारो हिल्स में आता है। जैसे आपको पता होगा कि मेघालय को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे गारो, खासी एंड जयंतिया, ओके। तो इसमें से सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे होता है, ईस्ट खासी हिल्स में, जो कि मोसिनराम एंड चेरापूंजी। सो ये दोनों भी लोकेशंस कहाँ पे आते हैं, ईस्ट खासी हिल्स में आते हैं, बट आपका जो नोकरेक है तो वो साउथ गारो एंड वेस्ट गारो के जंक्शन पे आता है,
ओके एंड इवन सम पार्ट इन द ईस्ट गारो, मतलब गारो में हम ऐसे बोल सकते हैं कि गारो हिल्स में कौन आएगा, नोक्रेक, बिकॉज आजकल यूपी से थोड़ा सा डेप्थ में भी जा रही है कि आपके हिल्स भी वहाँ पे पूछ रही है कि कहाँ पे एग्जैक्टली, सो योर आंसर शुड बी नोक्रेक, गारो में आता है, ठीक है याद रखना। एंड बालपाक्रम यहाँ पे थोड़ा सा खासी एंड गारो के थोड़ा सा जंक्शन पे ऊपर की तरफ आता है, सो दैट इज बालपाक्रम। आगे देखते हैं हम, सो बालपाक्रम देख लो, सो इट्स अ सदर्न गारो हिल्स के आसपास आएगा ये, ओके सो सेम ऑलमोस्ट आसपास ही आते हैं नोक्रेक एंड ये, सो सदर्न गारो हिल्स, ओके। बार्किंग डियर, एशियन गोल्डन कैट्स हो गए, या डिफरेंट बंगाल टाइगर्स यहाँ के स्पेशल अट्रैक्शन, इवन एलिफेंट्स भी यहाँ पे मिलते हैं, ओके। एंड द लैंड ऑफ द इटर्नल विंड, ऐसे अकॉर्डिंग टू द मतलब बालपाक्रम का मीनिंग क्या होता है, द लैंड ऑफ इटर्नल विंड, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ विंड्स फ्लो होते हैं या कंटिन्यूसली कुछ विंड्स ब्लो होते हैं, तो शायद उसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने ऐसे लिया है, द लैंड ऑफ द इटर्नल विंड मीन्स बालपाक्रम। सो ये गारो पीपल के थ्रू ऐसे कुछ इसका नेमिंग हुआ है, ओके। सो मोस्टली सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल काइंड ऑफ ट्रीज यहाँ पे मिलते हैं, बस उतना याद रखो। नेक्स्ट है नोक्रेक, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन अगेन ये गारो हिल्स में आता है। एंड नोक्रेक ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, इसमें से एक कौन रहेगा, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, ओके। तो मेघालय में भी एक बायोस्फीयर रिजर्व आता है, जैसे आसाम में हमने एक बायोस्फीयर रिजर्व दिखा था, वो था दिब्रू साइखोवा, ओके। दिब्रू साइखोवा जो कि एक नेशनल पार्क भी है एंड बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे अरुणाचल में हमने देखा था देहिंग पथ का ही आता है, जिसका मोलिंग पार्ट है, मतलब आसाम में भी बायोस्फीयर रिजर्व है, अरुणाचल में भी बायोस्फीयर रिजर्व है, एंड नोक्रेक में भी, सॉरी दैट इज इन द मेघालय में भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, तो मेघालय में कौन सा है, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, उसका ही पार्ट कौन है, नोक्रेक रिज नेशनल पार्क। सो यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में 2009 में इसको कुछ डिक्लेयर किया गया था, एंड यहाँ पे बहुत ही बेस्ट एक रिमिनेंट पॉपुलेशन ऑफ द रेड पांडा भी, एक अच्छा पॉपुलेशन है, एंड एशियन एलिफेंट के लिए फेमस है नोक्रेक अगर देखा जाए तो। स्टम्प टेल मकाऊ भी यहाँ पे, पिक टेल मकाऊ, हुलॉक गिबन्स जो कि ओनली एप्स विच आर फाउंड इन इंडिया, सो दैट इज द हुलॉक गिबन, तो हुलॉक गिबन्स भी यहाँ पे मिलते हैं, एंड इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, जो कौन डिक्लेयर करता है इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया इंडिया में, सो दैट इज द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, और इनको हेल्प कौन करता है, सो दैट इज़ BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इनके हेल्प से बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज डिक्लेयर करता है। अब रिसेंट इसका कुछ रिपोर्ट आया था, स्टेट ऑफ बर्ड रिपोर्ट, जो मैंने करंट अफेयर्स में कवर किया था, आज भी देखो 9 बजे करंट अफेयर्स है, डू नॉट मिस दैट, ओके। आज से हम जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स स्टार्ट करें, जो द हिंदू की एवरी न्यूज़ है, तो वो हम एनवायरमेंट की न्यूज़ कवर करने वाले हैं, ओके। सो बात ही अभी कि इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, जैसे हमने देखा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल या BNHS के थ्रू डिक्लेयर होता है IBA साइट्स, तो इसमें रिसेंटली स्टेट ऑफ बर्ड एक रिपोर्ट निकाला था, तो उसमें सबसे ज़्यादा एवियन स्पीसीज कहाँ पे आते हैं, सो दैट इज़ इन द काजीरंगा, ओके। काजीरंगा में सबसे ज़्यादा एवियन स्पीसीज आते हैं, ऐसे कुछ रिसेंटली रिपोर्ट में बताया था, तो ये देख लेना, बिकॉज इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस बार CMS का मीटिंग जो है, मतलब 2020 लास्ट ईयर, सो CMS मतलब कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज अगर देखा जाए, या कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, सो ये कहाँ पे आता है, गांधीनगर गुजरात में, तो CMS का मीटिंग, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार थोड़े से बर्ड रिलेटेड कुछ फोकस हो सकता है UPSC का, ठीक है। देन उसके बाद चलो, ह्यूज कैनोपी ऑफ थिक एंड टॉल लश ग्रीन फॉरेस्ट कवर नोक्रेक एंड इट्स एनवायरमेंट में ज़्यादातर एक मिलेगा आपको, एंड ये मतलब एक इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कुछ वाटरफॉल्स वगैरह, बट अगर करंट में होगा तभी उसके डिटेल में जाओ, अदरवाइज जनरलाइज इंफॉर्मेशन रखो नोक्रेक के बारे में। देन नेक्स्ट इज द मिजोरम, ओके। तो चलो हमने कितने देखे यहाँ पे, मेघालय में दो देखे अभी तक, ठीक है, तो मेघालय में दो थे, बालपाक्रम एंड नोक्रेक रिज नेशनल पार्क। अब आते हैं मिजोरम में, मिजोरम में कौन से, देखो मुरलेन नेशनल पार्क एंड पांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। सो मुरलेन जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता है, यहाँ पे रहेगा मुरलेन, ओके। चलो सब देख पा रहे हो ना, मतलब दिख रहा है सबको, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया ना ये, जो आपको PPT दिख रही है वो ज़्यादा छोटी नहीं ना, परफेक्टली दिख रहा है सबको, प्लीज टाइप इन द लाइव चैट बॉक्स, ओके ठीक है चलेगा, आई होप सबको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। एंड देखो फर्स्ट आ गया मुरलेन, यहाँ पे आता है मुरलेन, थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ है, एंड पांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क ये थोड़ा साउथ की तरफ आता है, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो, सो ये साउथ की तरफ है पांगपुई ब्लू माउंटेन, जो कि ब्लू माउंटेन एक इंपॉर्टेंट मिजोरम का पार्ट है, ओके। सो यहाँ पे साउथ में मतलब ऐसे दो आते हैं यहाँ पे, सो मुरलेन देख लो, तो मुरलेन ये चंफाई नाम का एक रीजन है, तो वहाँ पे आता है ये पूरा मुरलेन का पार्ट, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं, सो दैट इज़ द चंपाई डिस्ट्रिक्ट में आता है,
एंड इट इज़ इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ लेंगटांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक आती है, तो उसके आसपास ये आएगा, बट नॉट इम्पॉर्टेंट। देखो सेंचुरी 500+ सेंचुरी होते हैं इंडिया में, तो इतने सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस करंट अफेयर्स में बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन में तभी उसको देखना है। ओके तो थोड़ा अप्रोच के साथ पढ़ो। बाकी अगर यहाँ पे ट्रीज़ कौन से मिलते हैं, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन एंड सब माउंटेन टाइप ऑफ ट्रीज़ यहाँ पे मिलेंगे। एंड बाकी फिर वही है कि पूरे अगर आप डिफरेंट स्पीसीज देखते हो तो वही रिपीटेडली हो रहे जो हमने मिजोरम में देखे थे, या फिर सॉरी दैट इज मेघालय में देखे थे, वही रिपीटेडली आपको देख सकते हैं यहाँ पे। अब बात ऐसी, यहाँ पे अलग सा पॉइंट क्या है, ओनली अबाउट 1% ऑफ सन रेज कैन पेनिट्रेट द फॉरेस्ट ऑन अ सनी डे। मतलब यहाँ पे क्या है कि बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, यह एक ऐसा फॉरेस्ट है बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो सो थिकनेस ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द पार्क इज जनरली कंपेयर टू द फॉरेस्ट फाउंड इन द अमेजोन रीजन। ओके तो ये देखा जाए तो ऐसे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमेजोन जितनी यहाँ पे डेंसिटी है मुरलेन में, ओके मिजोरम, ठीक है याद रखना, जो स्टूडेंट थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो याद रखना हम मिजोरम देख रहे हैं, वहाँ पे मुरलेन नेशनल पार्क के बारे में इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, राइट। सो एंड द रीजन द एरिया हैज़ बीन नोन एज, इसीलिए अभी अगेन डिस्क्रिप्शन पे अगर कुछ यूपीएससी को क्वेश्चन पूछना है तो क्या डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क विल एग्जिबिट द फीचर लाइक लूजिंग एरिया ऑफ अ सेवन फेलो मैन एंड लैंड ऑफ नो रिटर्न। सो ऐसा डिस्क्रिप्शन किसका है? ओके तो याद रखना, ऐसे सबका तो नहीं होता, इतना डेंस फॉरेस्ट तो बहुत ही रेयर लोकेशंस पे मिलता है। द लूजिंग एरिया ऑफ सेवन फेलो मैन और लैंड ऑफ नो रिटर्न, सो ऐसा डिस्क्रिप्शन किसका है? मुरलेन का है, याद रखना, ठीक है। सो दैट इज द डिस्क्रिप्शन फॉर द मुरलेन। क्लियर यहाँ तक सबको मुरलेन? यस। नेक्स्ट आएगा उसके साउथ में आ जाओ मुरलेन के, सो दैट इज द पांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। ओके सो इट्स इन द मिजोरम, एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो उतने ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस स्टेट पे अगर आपको पता चल गया सो दैट इज मोर देन इनफ। ओके सो बस उतना ही थोड़ा सा देख लेना, डू नॉट गो इन द डिटेल्स ऑफ दिस। बाकी स्पीसीज वगैरह वही कंटिन्यू हो गए, लियोपर्ड, टाइगर, स्लो लोरिस एंड स्टम्प टेल, मकाऊ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ पे पूरी लिस्ट दी है। बाद में आप ये पीपीटी भी डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम अन अकेडमी ऐप, वहाँ पे जो सेशंस है तो वो चेकआउट कर लो, डिटेल सेशंस है और वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके सो यू कैन डाउनलोड दिस पीपीटी ऑल्सो। नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड में कौन सा है? इंटांकी नेशनल पार्क, ठीक है। सो दैट इज द इंटांकी नेशनल पार्क जो कि नीचे की तरफ आता है, देखो नागालैंड में, ओके मणिपुर की तरफ आ रहा है, तो दैट इज द इंटांकी नेशनल पार्क यहाँ पे दिखेगा, देखो, ठीक है, क्लियर। सो इंटांकी देखो, इसमें भी ज़्यादा इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द नागालैंड, दैट इज हुलॉक गिबन, गोल्डन लंगूर, हॉर्नबिल, इसके लिए फेमस है। एंड बाकी तो मतलब इसमें इतनी डिटेल कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, या फिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस स्टेट समझ लो, बिकॉज समटाइम स्टेट या चूज द करेक्ट प्लेस में ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो याद रखना इंटांकी कहाँ पे आता है? मिजोरम में, ठीक है। बाकी स्पीसीज तो ऑलमोस्ट सेम ही मिल जाएगी आपको जो हमने बाकी मेघालय में देखा या मिजोरम में देखा है, ठीक है। तो याद रखना मिजोरम में कौन से आते हैं? मुरलेन एंड पांगपुई ब्लू माउंटेन, देन नेक्स्ट नागालैंड में इंटांकी ओनली वन, देन आफ्टर दैट त्रिपुरा। त्रिपुरा में देखो क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क, ओके कौन सा आ रहा है यहाँ पे? सो दैट इज द क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क, एंड सेकेंड इज द बाइसन राजबाड़ी नेशनल पार्क। तो त्रिपुरा में कौन सा है? क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क एंड बाइसन राजबाड़ी नेशनल पार्क, ठीक है। तो देखते हैं त्रिपुरा के बारे में, जिसके वेस्ट में पूरा बांग्लादेश का रीजन आता है, एंड ईस्ट की तरफ से देखा जाए तो थोड़ा आसाम का रीजन लगता है एंड मिजोरम का रीजन लगता है, ठीक है। तो त्रिपुरा देख लो ठीक से, बांग्लादेश फ्रॉम द वेस्ट, एंड नॉर्थ ईस्ट से अगर देखा जाए तो आसाम लगता है एंड मिजोरम फ्रॉम द ईस्ट। ओके सो नेक्स्ट है कि यहाँ पे बाइसन देख लो। सो बाइसन राजबाड़ी, सो इट इज़ अ अगर देखा जाए तो इट इज़ द पार्ट ऑफ वी कैन से कि ये यही नेशनल पार्क मतलब आसपास थोड़े से आपको दिख जाएंगे। सो राजबाड़ी ऐसे कुछ लोकेशंस में आपको वेस्ट की तरफ दिखेगा, ओके सो इन दिस पार्ट, सो दैट इज़ द दिस पार्ट अगर देखते हैं, सो सेम इट इज़ होम टू फोर स्पीसीज ऑफ प्राइमेट मंकी, फायरी लंगूर, ऐसे कुछ पार्ट्स है तो उसके मिलते हैं, एंड बाकी अगेन फॉरेस्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट। सो नॉट दैट मच इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, ओके सो त्रिपुरा में है, बस इतना याद रखो, नाम याद रखना है क्लाउडेड लियोपर्ड एंड बाइसन। देखो जहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे हम डिटेल में जाते ही है, ठीक है। सो यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है तो इसलिए हमें डिटेल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो चलो लाइक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसको एंड अप करते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट हमने पूरा देखा है और कल के सेशन के साथ देखा है, बिकॉज ऐसा ना हो जाए कि अपने कल के सेशन नहीं देखे, तो कल का सेशन भी देखो रेगुलरली, इसको अटेंड करो। कल आसाम देखा था हमने एंड वेस्ट बंगाल देखा था,
ठीक है। और आज क्या है कि छोटे छोटे स्टेट्स थे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश भी हमने कल ही देखा था एक्चुअल में, ठीक है। अब आज सिर्फ हमने क्या देखा है, सो दैट इज़ यस, यहाँ पे नागालैंड होगा, मणिपुर एंड मिजोरम एंड त्रिपुरा ऑल्सो, तो ये सब रीजन्स आज हमने देखे। तो ट्राई करो कि डेली लेक्चर्स देखो, मतलब उसके बेनिफिट्स आपको तभी समझ में, ठीक है। एंड पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते रहते हैं। सो चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। लोकटक लेक के बारे में, यस फास्ट, क्या होगा इसका आंसर। इट इज फेमस फॉर एज अ फुमदीज, यस इट इज राइट, ओके। एंड इट सर्व एज अ सोर्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रो जनरेशन, तो यस डेफिनेटली यहाँ पे हो रहा है, ओके। एंड इट इज लिस्टेड इन द मॉन्ट्रेक्स लिस्ट, ओके। सो डेफिनेटली आंसर इज द डी, 1, 2, 3, ऑल ऑफ द अबव, ओके। इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, यस। सो देखो आंसर इज 1, 2, 3, बिकॉज इसको मॉन्ट्रेक्स लिस्ट में इसीलिए तो डाला है कि बिकॉज हाइड्रो पावर जनरेशन ज़रा ज़्यादा हो गए थे यहाँ पे, ह्यूमन इंटरवेंशन ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए इसको थ्रेट हो गया था, तो इसलिए मॉन्ट्रेक्स लिस्ट में इसको एडअप किया था, राइट। और चिल्का तो रिमूव किया था, इसलिए तो आज के डेट में केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ओके। एंड सेकेंड इज द यस लोकटक लेक, ये दो ही आते हैं इन द मॉन्ट्रेक्स लिस्ट ऑफ रामसर, ओके। चलेगा, चलो गुड, ओके। देन चलो नेक्स्ट फिर हम जो लेक्चर होगा तो वहाँ पे ट्राई करेंगे कि जो पार्ट्स बचे हैं तो वो कवर कर लेते हैं। अभी स्टार्ट करेंगे हम फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया, लाइक एमपी से हम स्टार्ट करेंगे। अभी पूरा सेंट्रल इंडिया कवर करते हैं नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में, देन आफ्टर दैट वी विल मूव टूवर्ड द साउथ इंडिया ऑल्सो। एंड प्लीज़ ट्राई टू अटेंड 9 PM लेक्चर टुडे ऑन अन अकेडमी ऐप, ओके। तो वहाँ पे अटेंड करो, जिसमें आज द हिंदू का करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हैं, राइट, जनवरी 2021 का, ओके। देन चलो, थैंक यू।